مسافر بھی قافلہ ہے مجھے.
ये तो मुसाफिर भी काफिला है मुझे, वो फरमाते हैं कि अगर एक भी शख्स हो तो मेरा हम मंजिल हो, मेरा हम जोक हो और मेरा हम सफर हो, तो मैं समझूंगा मेरे साथ पूरा काफिला आ रहा है। और अगर साथ लाखों का मजमा है और हम जोक नहीं है, हम मंजिल नहीं है, तड़प और लगन में सच्चे नहीं है, वो हजूम है, हम सफर नहीं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अली वाले हमारी तड़प भी अली, हमारी लगन भी अली, हमारा शोक भी अली, हमारा शोक भी अली, हमारा वजद भी अली, हमारा कैफ भी अली, हमारा जिक्र भी अली, हमारा रास्ता भी अली, हमारी मंजिल भी अली। हम मंजिल है, हम शहंशाह है गजब के मतलब हमारी मंजिल भी नजफ है, हमारी मंजिल भी शाह नजफ है, हम नजफ के रास्तों के मुसाफिर हैं। इसलिए आप थोड़े हो या मैं अकेला हूँ, ना हम थोड़े हैं ना हम अकेले हैं, इन मुसाफिर में काफिला है। कैफियत बता मैं एक दिन हुजूर सैयद इब्राहिम नवाज हुजूर क़िबला पीर से मोइनुल्लाह गिलानी दामत बरकात वो कुर्सिया आपकी खिदमत में बैठा था, तो सवाल हुआ कि जब हम औलिया-ए किराम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो कैसे पता चलेगा कि इस वक्त साहिब मजार भी हमारी तरफ मुतवज्जेह है। मजारों पे तो हम सब जाते हैं और इस अकीदे से जाते हैं कि हम वहां सलाम कर सकते हैं, हमारा वो सलाम सुनते भी है, लेकिन एक खास तवज्जो होती है। तो कैसे पता चलेगा कि इस वक्त जिसकी बारगाह में हम आए हैं वो हमें ही तवज्जो अता फरमा रहा है। अब हम यहाँ बैठे हैं, साथी बैठे हैं, बैठे हैं, इन्हें आके को मिलता है, सलाम करता है, वालेकुम सलाम, बैठ गया। अब ये जरूरी तो नहीं कि सलाम दुआ के बाद इनकी तवज्जो भी उधर हो। यही सवाल हुआ कि जब हम साहिब मजार के पास जाते हैं तो फिर वहां पता कैसे चलेगा कि अब हम इनकी बारगाह में आए हैं, तो ये हमें खसूसी तवज्जो भी अता फरमा रहे हैं। तो पीर साहब ने इरशाद फरमाया, फरमाया ये किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, ये अपने दिल की कैफियत बताती है कि साहिब मजार अब मेरे ऊपर निगाह। जब दिल नरम पड़ जाए, आंखों में आंसू आ जाए और मोहब्बत का एक चश्मा सब उभर पड़े, समझ जाया करो कि इस वक्त वो साहिब मजार अब तुम्हारी तरफ ही निगाहें रखे। और ये कैफियत हर वक्त हासिल नहीं होती, तो इसका मतलब यही होता है कि हर वक्त तवज्जो खास नहीं होती, किसी किसी लम्हे फिर वो जब बंदा जाता है आता है तो कभी कभी उसकी मेहरबानी भी हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है ये फिर आपने इरशाद फरमाया, बाद मजालिस के अंदर जब वो औलिया-ए कामिलीन या वो अरवाह-ए कामला जिनका जिक्र हो रहा होता है वो भी जलवा गली फरमाती हैं, वो भी खुशी तवज्जो फरमाती हैं, तो उसकी निशानी में यही है कि पूरी महफिल के ऊपर एक सरूर का सवाल आ जाता है, दिलों में कैफ आ जाता है, निगाहें झुक जाती हैं, दिल मुतमईन हो जाते हैं। उस वक्त समझ आया करो जिनके नाम की महफिल है वो कबूल भी फरमा रहे हैं, देख भी रहे हैं और निगाहें तवज्जो भी फरमा रहे हैं। ये तो सखी की महफिल है, कायनात आलम के सब लोगों का सखी जो आलम अरवाह से विलायत बांट शुरू करे और क्यामत तक उसकी विलायत का फैजान बढ़ता रहे, उससे बढ़कर सखी कौन? इसका नाम ही अली। मैंने आज डेरा गौसिया थे और मैं शरीफ में हजरत साहब के पास मौला कायनात के जिक्र की महफिल थी, तो वहां मैंने अर्ज किया कि लफ्ज़े अली जो है उसका माना ये होता है जो हर वक्त ऊंचा ही रहे, माना ये अली, सिर्फ ऊंचे को अली नहीं कहते, जो हर हर हाल में ऊंचा हो उसे अली कहते। तो नाम रखना और होता है और उस नाम का उस जात पर सादिक आना और होता है, नाम का सादिक आना होता है, उसको कहते हैं इस्म बा मुसम्मा,
कि जैसा नाम है वैसी जात है और जैसी जात है वैसा ही नाम है। हजरत मौला अली के इस पाक इस्म का नाम जो है वो अली, इसका माना क्या है? माना है जो हर दम ऊंचा हो, एक लम्हे के लिए वो ऊंचाई पे चला जाए उसे आली कहते हैं, अली नहीं कहते हैं। अली उसे कहते हैं जो हर हर वक्त में अली हो, हर हर वक्त में ऊंचा हो, हर हर वक्त में उसे उलूफ शामिल हो, कभी भी वो नीचा ना हो, वो ऊंचा ही रहे, उसे अली है। तो अब इस माने के द्वार से, इस नाम के द्वार से जब हम जाते अली को देखते हैं, उससे बढ़कर इस मुसम्मा क्या है? इस मुसम्मा की आपको समझ आ गई? जैसे मिसाल के तौर पे सरवर आलम नूर मुजस्सम हमारे आका मौला, आपका नाम है, नाम इसमें ग्रामी क्या है? मुहम्मद। क्या नाम है? अब मोहम्मद का नूर भी माना क्या है? मोहम्मद का नूर भी माना है कि मोहम्मद उस शख्स को कहते हैं जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो, जिसकी तारीफ कभी, उसे मोहम्मद कहते हैं। अब इस नाम को देखें और फिर हजूर की जात को देखें तो इससे सच्चा नाम और कौन सा होगा? इससे सच्चा नाम और कौन सा होगा कि असल से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द और सना और तारीफ का सिलसिला शुरू हुआ है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अलग आखिरत खैरुल लक मिनल उला, जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, सरकार के जिम्मे आपकी नाकामियां, आपके तस्करे, आपकी हम्द, आपकी तारीफ जो है उसका सिलसिला क्यामत तक जारी है। और बकौल हजरत सैयदना अबी मिर्जा कुत्ते सबसे को अजीजा फरमाते हैं वा फाना ला का जिक्र का जहूर कामिल जो होगा वो क्यामत के दिन होगा जब सारे अंबिया भी होंगे, सारे औलिया भी होंगे, सारी उम्मतें भी होंगी, और सब अब्दाल वली फरिश्ते सारा कुछ सारे जहान जो है अल्लाह जमा कर देगा और उस वक्त शफाअत का ताज जब जनाब मोहम्मद मुस्तफा के सर के ऊपर अल्लाह सजाएगा और फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद ऐ अज़ल से लेकर अबद तक वो जात जिसकी तारीफ कभी खत्म ही नहीं हुई अब अपना सर उठा ले। फरमाए या मोहम्मद अल्लाह फरमाएगा। मोहम्मद किसे कहते हैं जिसकी तारीफ ही कभी खत्म ना हो और अली किसे कहते हैं जो कभी नीचे हो ही ना, जो कभी तले आए ना, वो ऊंचा ही ऊंचा रहे, वो आलम अरवा में है तब भी अली है, आलम अजसाम में है तब भी अली है, वो काबातुल्ला में विलादत पाए तब भी अली है, वो विलादत के बाद नबी की गोद में आए तब भी अली है, पहली आंख खोल कर नबी का दीदार करे तब भी अली है, नबी के हाथ से पहला गुस्ल करवाए तब भी अली है, पहला गुस्ल भी हुजूर ने दिया, वो हुजूर के कंधों पे सवारी कर तब भी अली है, हुजूर की उंगली पकड़ कर मक्का की गलियों में चले तब भी अली है, वो 8 साल की उम्र में खड़ा होकर फतहारे मक्का में दीन की नुसरत और हिमायत का ऐलान करे तब भी अली है, वो हुजूर के बिस्तरे हिजरत पर सोए तब भी अली है, वो बदर के मैदान में सुरमाओं को मारे तब भी अली है, उहद में अली है, खंदक में अली है, खैबर में अली है, वो मन कुन तो मौला के इंसान में भी अली है, वो अंत मिन्नी में मंजिलत हारूना मिन मूसा के फरमान में भी अली है, वो आयत मुबाला में भी अली है, वो आयत तदहीर में भी अली है, और वो आयत मुवत्तक में भी अली है, वो कुरान की आयात में भी अली है, नबी के फरमान में भी अली है। अल्लाह को क्या कहने, वो कभी नीचे आए ना, वो कभी नीचे उसको अली कहते हैं, मुझे उस अली की महफिल है, तो क्या ये महफिल नीचे आ सकती है? महफिल भी अली की महफिल है, मुझे वो महफिल है, ये उस अली की महफिल है जिसके जिक्र को